भिंडी को काट के धो के सुखा के फिर इसे पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लें और ऑयल गर्म करके भिंडी को हल्का सा सिर्फ सौटे करें। इसके हर एक उसमें ऑयल से अच्छे से कोट हो जानी चाहिए, फ्राई हो जानी चाहिए, और इस तरीके से कढ़ाई में इसको हर जगह फैला दें ताकि ये इसे हमें सिर्फ फ्राई करना, सिर्फ सिंपल फ्राई। देन इसको अच्छे से बस ऐसे मिक्स करते रहेंगे और ऐसे फैलाते रहेंगे ताकि अच्छे से ऑयल कोट हो और भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर इसके अंदर बहुत ही कम और सेलेक्टिव मसाले जाएंगे। अब देखेंगे हल्की सी स्प्रिंक हो चुकी है, उसको इस हद तक के अच्छे से हमें फ्राई करना है। इसके अंदर मसालों में हमने धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची, स्पाइसी लाल मिर्ची और नमक, दैट्स इट, हल्दी, धनिया, मिर्चा, दैट्स इट। और उसके बाद उसको बहुत अच्छे से बस हमें मिक्स करना है और मिक्स करना है और बस मिक्स करना। इसे हम करेंगे सौटे और फिर इसको हम स्लो गैस पे करके इसे कवर कर देंगे। बट उससे पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे। ये हमारी क्रिस्पी भिंडी तैयार होगी, भिंडी फ्राई विदाउट फ्राइंग, डीप फ्राइंग। तो हमने बेसन के 2 स्पून डाले हैं और उसको मिक्स करेंगे, देखेंगे कि बेसन हर भिंडी के उस पर बहुत अच्छे से कोट हो जाए। उसको हल्की स्लो, एकदम स्लो गैस पे बस ऐसे ही हमें समझिए बेसन को रोस्ट करना है भिंडी के साथ। मुझे थोड़ा सा कम लगेगा तो मैं 1/2 स्पून और थोड़ा सा लेके ऐड करूँगी और फिर इसको बहुत अच्छे से बस मिक्स करना है। और इसमें थोड़ा सा ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है तो थोड़ा सा ऑयल मैं ऐड करूँगी बेसन ऐड करने के बाद, और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तब इसमें हल्का सा ऑयल ऐड करके इसे स्लो गैस पर कवर करके आप इसे कुक करें, काफ़ी देर तक कुक करें जब तक भिंडी अगर ज़्यादा क्रिस्पी पसंद। देखिए मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ इसमें, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऑयल ऐड कर सकते हैं। कवर करके कुक करें और इसको अच्छे से मिक्स करें, और मिक्स करते वक्त ये याद रखें कि भिंडी को अलग करें और उसको फैलाएं, पूरी कढ़ाई में आप फैलाएं और अच्छे से कवर करके कुक करें और बस फ्राई करें।